नमस्कार, मैं हूं रेखा पाल और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने आज बिहार में बंद बुलाया, इसे कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन भी दिया है। आरजेडी, जन अधिकार पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने अपना समर्थन दिया। पूरे बिहार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रदर्शनकारियों ने आज पूरे बिहार में सड़कें जाम की, ट्रेनें रोकी और टायर जलाए। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों में अनियमितता को लेकर छात्रों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था। बंद को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है। बिहार और रेलवे पुलिस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इस बीच पटना के मशहूर टीचर खान सर ने एक वीडियो जारी कर छात्रों से किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। छात्रों के प्रदर्शन, जय हिंद। देखिए, सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है, हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, अभी एक वीडियो आया बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग के सहमत है। और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए सीबीटी 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा। और हंगामे के बाद खान सर सहित कई कोचिंग संचालकों पर भी FIR दर्ज की गई थी। सुबह से ही पूरे बिहार में गहमा गहमी रही। रेलवे अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार की 7 राजनीतिक पार्टियों RJD, कांग्रेस, जाप, CPI, CPM, CPIML और VIP के कार्यकर्ता सड़क पर रहे। दरभंगा में RJD कार्यकर्ताओं ने बिहार संपर्क क्रांति को रोक दिया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पप्पू यादव की पार्टी जाप के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। वहीं वैशाली के हाजीपुर नगर के रामशीष चौक पर महुआ के RJD विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं की दादागिरी भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने पटना में जबरदस्ती दुकानें बंद कराने के लिए तोड़फोड़ की। बंद को देखते हुए पटना समेत जिले में करीब 2,500 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। शहर के हर चौक चौराहों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी भवनों से लेकर स्मारकों के आसपास पुलिस बल तैनात रही। खबरों में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय, सत्य, जनता की आवाज़।